ने जो कोरोना के लिए और COVID-19 के लिए स्टेप्स लिए हैं, उसमें जैसा कि देखा गया, आपने USA की भी स्टडीज़ देखी और उनका भी सारा एक्सपीरियंस देखा, यूरोप का भी देखा। पहले हो ये रहा था कि पेशेंट जैसे ही ख्याल था कि ये नमूनिया चल रहा है, और जैसे ही पेशेंट ब्रेथलेस होता था और वो रेस्पिरेशन मेंटेन नहीं कर सक रहा होता था, तो उस सेचुरेशन मेंटेन करने के लिए उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता था। उसके बाद फिर ये देखा गया, जो क्लिनिशियंस ने देखा कि ये वेंटिलेटर बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, और स्टडी जो अमेरिका की आई उसमें उन्होंने कहा कि 88% पेशेंट जो वेंटिलेटर पे गए उनकी मोर्टेलिटी हुई और 12% पेशेंट बचे। तो उसके बाद जब चाइनीज़ आया तो चाइनीज़ से भी हमारी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में हमने ये देखा जो चाइनीज़ से डिस्कशन हुई कि उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर की बजाय हाई इनफ्लो ऑक्सीजन जो है वो अगर आप बीच में पेशेंट्स को कुछ अर्से के लिए दें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, और वो पेशेंट कम वेंटिलेटर पे भी जाते हैं। प्लस ये कि जो ख्याल था कि लंग्स को इंजरी हो रही है, वो इंजरी भी कम होगी। अब इसमें एक चीज़ जब हमने देखी तो समहाउ क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट इंटरनेशनली इतने यूज़ उस वक्त नहीं हो रहे थे, और हमारे यहाँ भी ये थोड़े थे, क्योंकि जो हमारे क्लिनिशियंस थे वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनिशियली डिपेंड नहीं कर रहे थे। लेकिन जब ये देखा गया कि वेंटिलेटर एक तो महंगा बहुत ज़्यादा है, दूसरा देखा गया कि उसका फ़ायदा भी नहीं हो रहा, तो वेंटिलेटर्स तो इन एनी केस बढ़ाए गए, क्योंकि जब बिल्कुल पेशेंट एंड स्टेट पे आ जाता है या बिल्कुल ही रेस्पिरेशन मेंटेन नहीं कर सक रहा, तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो इसलिए NDMA ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वज़ीर आला ने बाहर से वेंटिलेटर्स भी मंगवाए। लेकिन ये मशीन एक ऐसी है जो कि पेशेंट को, और इसके साथ कुछ मेडिसिन हमने कंबाइन की, हमने एक टोक्लिज़ुमैब भी शुरू की जो कि जिसका ट्रायल हम PKLI से कर रहे हैं, और मेरे क्लिनिशियंस साथ बैठे हैं, ये इनकी वो फील्ड है। तो इसमें हमने 8 पेशेंट्स टोक्लिज़ुमैब पे किए हैं और 7 पेशेंट हमारे बिल्कुल ठीक हुए, और वो बहुत एंड स्टेज पे पेशेंट जा चुके थे। तो ये जो एक मशीन आई, हमने 4 मशीनें खुद हमने परचेज़ की, और एक मशीन एक डोनर है वो हमें दे रहे हैं, वो आज दोपहर को या कल सुबह आ जाएंगे। डोनर वो ख़ुद USA में, और उनके यहाँ रिप्रेजेंटेटिव आसिम साहब, वो हमें एक मशीन दे रहे हैं। 4 हमने जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, वज़ीर आला साहब ने और मैडम मिनिस्टर ने जो हमें, और है थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट जो हमें फ़ंड आया, और उसके थ्रू हम रोज़ बैठ के एक उसका बनाते हैं बजट कि हमने कौन कौन सी मशीन परचेज़ करनी है और किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो कल हमारी 3 मशीनें टोटली इंस्टॉल हो चुकी हैं, चौथी मशीन हमारी आज आ जाएगी, और जो हमारी 5वीं मशीन है वो 3-4 दिन तक आएगी, या ईद के दूसरे दिन या ईद से एक दिन पहले। तो इस तरह ये एक हमारा हाई इनफ्लो ऑक्सीजन का एक सेटअप बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें चाइनीज़ ने के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी उन्होंने इसमें हमें कहा था कि हमारे 60% पेशेंट्स जो हैं उनको हमने हाई इनफ्लो पे रखे और बाद में उन सबको सेव किया, और जो वेंटिलेटर्स पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो ये अब दुनिया इस पर कुछ मेडिसन्स के साथ, जैसे गवर्नमेंट अब रेमडेसिविर जो है एक एंटीवायरल है उसका भी लाइसेंस मेरे ख्याल है एक फार्मास्यूटिकल ले रही है, और वो यहाँ मैन्युफैक्चर होगी और एंटीवायरल एक स्टार्ट होगी। तो ट्रीटमेंट इसका बेसिकली चेंज हुआ, शुरू में वेंटिलेटर्स चल रहे थे और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, और क्योंकि मैं जो एक टास्क फोर्स है साइंस और टेक्नोलॉजी उसका भी मेंबर हूँ, लेकिन USA की जिस वक्त स्टडी आई और उन्होंने कहा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, हम उसका काम कर रहे थे, तो थोड़ा सा उसके ऊपर फिर पूरे वर्ल्ड ने ज़रा स्विच ओवर किया, और उसके बाद फिर एजिथ्रोमाइसिन और लो मॉलिक्यूलर रेट हेपरिन और प्लस टोक्लिज़ुमैब और प्लस एंटीवायरल, क्योंकि ये एक वायरस है, इनके साथ मिलके वो स्टार्ट किया। और आज का मेरा ख्याल था कि ये जो हाई इनफ्लो ऑक्सीजन मशीन आई है वो हम शेयर करें कि ये एक स्टेप है जो कि स्टार्ट हुआ। और दूसरा एक और भी ऐलान करते चलें, आज इलाइज़ा से एक स्टेप आगे जो मशीन है वो इंशाल्लाह 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद वो भी इंस्टॉल हो जाएगी, और जिसमें कि हम थ्रू इलाइज़ा IgG और IgM करेंगे, उसको फिर कंपेयर करेंगे कि वो आपके PCR के साथ कैसा चलता है।
और मेरा ख़्याल है अगर इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आए तो ये जो आगे हमारे पास एलाइज़ा आ रही है ये एक आंसर होगा कि आपने IgG और IgM करना है, कौन सी फ़ोर्स है जो आपकी इम्यून है, कौन सी फ़ोर्स है जो इम्यून नहीं है। तो ये मशीन्स आपके पास इंशाल्लाह यहाँ LGH में कुछ इंस्टॉल हो गई हैं, कुछ आज दोपहर को जाएंगी, कुछ कल हो जाएंगी। तो इस वक्त गवर्नमेंट और पाकिस्तान का जो फोकस है वो इनिशियल टेस्टिंग आपको पता है 2 से 2500 चल रही थी, वो फोकस है कि उसको 30,000 ऑलमोस्ट वो नंबर टच कर रहा है, बल्कि क्रॉस कर चुका है। कोशिश ये है कि 50 से 60,000 टेस्ट रोज़ हो, इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे वायरोलॉजी में लोग स्पेशलिस्ट थोड़े हैं, उतने नहीं हैं। तो मैं हर फोरम पे ये भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर्स और हमारे साइंटिस्ट ज़्यादा वायरोलॉजी में और इन्फेक्शस डिजीज़ में स्पेशलाइज करें, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग भी एक मसला है। आप देखें जैसे लोगों ने कहा कि जी पहले नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव आ गया, तो लोग ख़ुद भी कन्फ्यूजन में थे। उसमें नेगेटिव जो इसका रिज़ल्ट है PCR का वो भी 35% है। तो इस वजह से जैसे हमारी एक प्रोफेसर गायनी की, प्रोफेसर रिजवाना पिंडी में थी, 4 उनके PCR नेगेटिव आए, लेकिन उनको सिम्टम थे। क्लिनिशियंस ने उनको दाखिल किया, उनको ट्रीट कोरोना के लाइन पे किया, 5वां टेस्ट उनका पॉजिटिव आया। तो अगर वो उस टेस्ट के लिए वेट करते तो उनका बचना मुश्किल हो जाना था। अब अल्लाह का शुक्र है कल वो ICU से बाहर आ गई हैं, सब ने बहुत दुआएँ की, वो अपने घर में मौजूद हैं। और इस तरह चीज़ें जो जहाँ सिम्टम्स आ रहे हैं, जहाँ HRCT आ रहा है, जहाँ एक्सरे पे फाइंडिंग आ रही हैं, उसको ट्रीट कोरोना की लाइन पे ही किया जा रहा है। और ये हमारी चाइनीज से भी मीटिंग हुई, हमारी डेनमार्क से भी मीटिंग चल रही है, स्पेन के साथ भी चल रही, तो ये सारी चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज एक मैं समझता हूँ तारीख़ी दिन है जहाँ हमारे पास आज एलाइज़ा भी आ रहा है, ये पहले शौकत खानम के पास है और एक चुगताई के पास है, तो तीसरा ये LGH हो जाएगा जहाँ लाहौर में ये स्टार्ट होगा। और हाई इनफ्लो भी काफ़ी सारी मशीनें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ली हैं और ये एक अच्छा बड़ा सेंटर बनेगा। हम ग्रेजुअली कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहे हैं टेस्टिंग की भी, और उसमें मशीन्स हमारी और आ रही हैं, PCR हमारा और आ रहा है, RN एक्सट्रैक्टर हमारे और आ रहे हैं, और हम बेड्स भी और एलोकेट कर रहे हैं। डॉक्टर इरफान इनकी स्पेशलिटी है, ये उसको ज़्यादा HRCT की बात कर रहे हैं। HRCT आई थिंक आप थोड़ा सा उसको कंफ्यूज की टेस्ट करें। HRCT की जो सेंसिटिविटी है वो 95%+ है, ठीक है। तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम उसको कंफर्म करते हैं विद PCR, और PCR की इटसेल्फ जो सेंसिटिविटी है वो 60-70% से ज़्यादा नहीं, तो इनकी ये डिस्क्रिपेंसी तो आ सकती है, ठीक है। तो ये सारा हम इसको जब पेशेंट को देखते हैं तो क्लिनिकल बेसिस पे देखा जाता है। अगर क्लिनिकल सस्पिशन स्ट्रॉन्ग है और HRCT फेवर कर रहा है और PCR नेगेटिव आता है तो हम उसको ट्रीट कर देते हैं। और उसके जब सेकंड हमने, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल साहब के साथ जो हमारा शेड्यूल तैयार हुआ है कि हम एक 48 आवर बात करवाते हैं, एक 5 डेज बात करवाते हैं, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमसे मिस कम पेशेंट हुए हैं कि हमने शायद उसको ट्रीट नहीं किया और वो किसी और ट्रैक पे चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह जनरल में अब तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास काउंटर चेकिंग PCR की भी अवेलेबल होती है और HRCT की अवेलेबल भी होती है, प्लस क्लिनिशियन भी हैं जो सबको कंबाइन करके देन दे फाइनलाइज के ये पेशेंट ट्रू सेंस में कोरोना का बनता है तो हम उसको ट्रीट कर देते हैं। एक मैं थोड़ा सा उसमें कहता चलूँ कि एक हमारी CAG है जो ओवरऑल देख रही है, CAG के अगर हमें उसकी बहुत फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स होती हैं और उसमें, क्योंकि ये एक नई किस्म की डिज़ीज़ है और रोज़ ये वायरस भी आपको पता है म्यूटेट कर रहा है, वेरिएंट है, तो इसकी प्रेजेंटेशन चेंज होती है। इस वक्त इसका जो 2 महीने पहले मैनेजमेंट था वो इस वक्त टोटली एक डिफरेंट लाइन पर चला गया है, क्योंकि जो इटालियंस ने बायोप्सीज की थी उससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, US और चाइना में बायोप्सीज नहीं हुई थी। तो अब जब से वो बायोप्सीज की रिपोर्ट मिली है चीज़ें अब थोड़ी सी उससे ड्रिफ्ट कर गई हैं और अब और बेहतर लाइंस पे चला गया, और उससे मोर्टेलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड बेहतर हुई। अब देखा यूरोप की भी कम हो गई है, USA का भी ग्राफ एक्स्टैटिक हो गया है, चाइना का भी, ईरान का भी कंट्रोल इस वक्त अच्छा चल रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट एक डिफरेंट लाइन पे किया और वो ऑटोप्सी से पता चला, उससे आगे फिर चीज़ बेहतर हुई। जो सब बताएँ, ये प्रोफेसर हैं हमारे क्रिटिकल केयर के। ये जी जी, ये जो मशीन है इसको आप एक मशीन को एक ही पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन ये है कि आप इसी मशीन को
पीडियाट्रिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स यानी बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एडल्ट यानी दोनों के लिए एक ही मशीन इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन एट ए टाइम एक मरीज़ को आप इससे ये सहूलत दे सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको मशीन के मुतालिक ब्रीफ कर देता हूँ। इस मशीन की एक तो ब्यूटी ये है कि जैसे वेंटिलेटर के लिए आपको बहुत एक ट्रेंड इंटेंसिव केयर ट्रेन डॉक्टर की ज़रूरत होती है, ये मशीन हैंडल करनी बड़ी ईजी है। आप स्टाफ नर्सेस को जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं ये एक सिंगल गो 5 मिनट की डेमोंस्ट्रेशन के अंदर आप इस मशीन को आराम से समझ लेते हैं। और इसके ब्यूटी ये है कि हम इसको आईसीयू और आईसीयू के बाहर भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। दूसरा ये है कि इस मशीन के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं 21%, जैसे कि हम हवा में सांस ले रहे हैं उससे लेके 100% तक हम इसको ऑक्सीजन के फ्लो के साथ हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें जो ऑक्सीजन जब बहुत ज़्यादा हाई फ्लो के ऊपर जाती है तो वो क्या करती है, ड्राइनेस कॉज करती है। तो इसके अंदर एक वाटर का ट्रैप लगा हुआ है, जितनी भी गैस इसमें से निकल रही थी ऑक्सीजन वो सारी उसमें से ह्यूमिडिफाइड होती है और वो ह्यूमिडिफाइड गैस अंदर जाती है जो कि अंदर के म्यूकोजा को डैमेज नहीं करती है। तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत स्टेप है जो कि उन मरीजों के दरमियान जो कि हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में मॉडरेट सिम्टम से क्रिटिकल सिम्टम की तरफ जा रहे होते हैं, जो वेंटिलेटर के कैंडिडेट बनने वाले होते हैं, अगर उनको ये फैसिलिटी मिल जाती है तो 90% चांस ये होता है कि उनकी बचत जो है वेंटिलेटर से हो जाएगी और इसी मशीन के ज़रिए वो रिकवर हो जाएंगे। अच्छा, मैं तो एक बार वो जोधो साहब ने आंसर बिल्कुल ठीक किया, इसमें देखें वेरिएशन आई है यूएसए में और हम देखें हमें एक एक्सपीरियंस है कि एक एक बेड पे हमारे दो दो तीन तीन पेशेंट्स होते हैं तो रश बढ़ जाता है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और जो यूएसए और यूरोप है वहाँ पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से बहुत कम है, उनको ये एक्सपीरियंस भी नहीं था कि एक एक बेड पे दो दो पेशेंट आ सकते हैं, जिस पर उनका रश पड़ा। और यूएसए के पास 1,64,000 वेंटिलेटर था पूरे अमेरिका में जब स्टार्ट हुआ, अब उन्होंने कैपेसिटी उसको 3 लाख से बढ़ा ली, लेकिन उनके पास जो कि इनसफिशिएंट हो गया। फिर उन्होंने कैलिफोर्निया से वेंटिलेटर्स लिए, ये हाई इनफ्लो मशीनें लीं, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी लेके आए। एक टाइम ऐसा आ गया कि ये मशीनें थोड़ी बढ़ गईं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसी न किसी को कुछ ना कोई फैसिलिटी दें। उस वक्त उन्होंने ये मशीन 3 से 4 पेशेंट में यूज़ की, लेकिन वो आइडियल चीज़ नहीं है। उसका बाद में उन्होंने देखा जो रिज़ल्ट्स आए, वो उनका ख्याल था कि ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, अगर 1 मशीन पर पेशेंट लगे तो उसका रिज़ल्ट बेस्ट आता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जहाँ यूके में, इटली में और यूएसए में और स्पेन में ये मशीन 1 से ज़्यादा लोगों में भी इस्तेमाल हुई, लेकिन वो आइडियल सिचुएशन नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई सिचुएशन आ जाए। हमारी कोशिश ये है, ये मशीन को बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है और गवर्नमेंट की रेंज में भी है, समहाउ इस पर गवर्नमेंट का भी इतना कसूर नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेडिकल प्रोफेशन को ये एडवाइस करनी चाहिए थी कि ये मशीन होनी चाहिए, क्योंकि ये अब आ गई है, इसको किसी ने इतना इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया हुआ था। और मेरे ख्याल है ये जिस तरह वेंटिलेटर्स के बेड हो रहे हैं, इस तरह मेरे ख्याल इन मशीनों के भी कम अज़ कम हर हॉस्पिटल में 20-20 बेड होने चाहिए, क्योंकि वेंटिलेटर से सस्ती है और ये एक दरमियान में ऑप्शन है, 60% पेशेंट इस पर जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये मशीनें इस्तेमाल हुई हैं 1 से ज़्यादा में, लेकिन वो आइडियल सिचुएशन नहीं है। अगर आप 1-to-1 करेंगे तो रिज़ल्ट बेस्ट आएगा, लेकिन अगर आपके पास ऐसे पेशेंट ज़्यादा आ जाते हैं, अल्लाह ना करे सिचुएशन आए, तो फिर आप इसकी उन्होंने एक पाइपिंग का सिस्टम बनाया जो कि 3-4 में जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में पोजीशन ये है कि पेशेंट जो हैं, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ता जा रहा है। इस वक्त लाहौर के भी जो हॉस्पिटल हैं वो 60-70% पॉपुलेट हो चुके हैं और हमारे हॉस्पिटल में भी ये इसी तरह इसी तादाद में बढ़ रहे हैं। तो ये जो मशीन जिसका आज हम ओपनिंग करने जा रहे हैं, ये इंशाल्लाह एक गेम चेंजर के तौर पर साबित होगी। और जिस तरह प्रोफेसर फरीद साहब ने कहा कि ये हर हॉस्पिटल में इस मशीन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारे वेंटिलेटर से पहले की एक डिवाइस है। तो अगर पेशेंट वहीं हमारा रिकवर हो जाता है तो उसको वेंटिलेटर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, ये इसकी प्राइस भी वेंटिलेटर से काफ़ी कम है। तो जिस तरह मैंने बताया कि हमारे कोविड-19 के